जय हिंद दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है विजयपथ डिफेंस एजुकेशन में। पहले तो मैं आपका सबका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपका जो इतना प्यार हमारे लिए रहा, जो लास्ट प्रीवियस वीडियो जो है उसके लिए, और जो हमारे कमेंट्स में जो है आया था कि सर आप जो हैं मैक्सिमम हमारे लिए जो हैं और वीडियोस डालें जो आर्मी के लिए या अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के जो है वो ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस आए। तो दोस्तों आज से हमारी जो है टेस्ट सीरीज़ जो है या कंप्लीट जीके के लिए जो सीरीज़ है वो भी शुरू हो रही है, और मैथ्स के लिए और टेक्निकल का भी कमेंट था, और क्लरिकल के लिए भी सर आप एग्ज़ाम का पेपर ज़रूर डालें। तो फ्रेंड्स वो अभी तैयार हो रहे हैं, तो जैसे ही हमारे तैयार होंगे तो हम आपके लिए जो है ये सारे नोट्स जो हैं वो कम्बिनेशन में डालेंगे, और तब तक हम आपको जो है आपका जो ज्ञान है वो बांटने के लिए या बढ़ाने के लिए, तो हम कंप्लीट एक नॉलेज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो ज़रूर मेरे फ्रेंड्स मुझे सब्सक्राइब करें और शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि हमें नहीं, ये हमारे हर युवक या हर युवा को ज़रूरत है नौकरी के लिए। तो इसलिए दोस्तों मेरे इस जो कमेंट्स को या प्लस मेरे नोट्स को जो ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों जो नोट्स हैं वो आपको मोर डिटेल्स में आप वहां से डाउनलोड करें, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम नोट्स जो हैं आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो नोट्स के साथ साथ मैं दोस्तों आपके लिए जो है वीडियो में बताना चाहूँगा कि मैं आज जो है आपके लिए डिटेल में जो है नोबेल प्राइजेस पे जो है एक डिटेल स्टडीज़ के लिए लेकर आया हूँ। तो हमारा जो टॉपिक है वो नोबेल प्राइज़ है। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा, नोबेल प्राइज जब मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं जब भी बताऊँगा तो आपने जो है आपने सिर्फ इसको देखना है, डाउनलोड करने के लिए यही आपको पूरा का पूरा मैटर आपको नीचे हमारी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इसको ध्यान से सुने दोस्तों। सबसे पहले नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1895 में, और नोबेल प्राइज जो स्टार्ट किया गया है वो 1901 में हुए थे स्टार्ट, जो वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की यादगार में दिए जाते हैं। और ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे इन्होंने डिस्कवरी की हुई है डायनेमाइट की, जो 1867 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। अल्फ्रेड नोबेल का जो बर्थ हुआ था वो 1833 में हुआ था स्वीडन में, और 1833 में स्वीडन के शहर था स्कॉटहोम शहर में उनका जो है बर्थ हुआ है, और इनकी जो डेथ है वो 1896 में हुई थी स्वीडन में ही। तो फ्रेंड्स तो यहाँ से हमारे दो तीन क्वेश्चंस का आंसर और क्वेश्चंस बनता है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियोस को अगेन एंड अगेन देखें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, नोबेल प्राइज़ की स्टार्ट कब हुए? 1901 में। नोबेल प्राइज़ जो है वो किसकी यादगार में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। डायनेमाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट, अल्फ्रेड नोबेल से जो जुड़ा पुरस्कार है वो कौन सा है? नोबेल प्राइज़। अल्फ्रेड नोबेल का जो है बर्थ कब हुआ? 1833 में। अल्फ्रेड नोबेल का बर्थ कहाँ हुआ? स्वीडन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो इससे बनते चले जाएंगे, आप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनते रहें। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स, जो नोबेल प्राइज़ है इसे हमने टोटल स्ट्रीम्स 6 में बांटा हुआ है। तो हमारी जो इसमें स्ट्रीम्स कौन कौन सी रहेंगी मैं इनको आपके सामने बारी बारी में जो है आपको समझा दूंगा। सबसे पहले फ्रेंड्स नोबेल प्राइजेस की जो है वो एक शांति में दिया जाता है, पीस में, जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में सिर्फ शांति यानी कि पीस में ही हमारा नोबेल पुरस्कार मिलता है, और जितने भी हमारे नोबेल पुरस्कार हैं जैसे कि साहित्य का है, रसायन का है, भौतिकी का है, चिकित्सा का है, लास्ट में आपके आ गया अर्थशास्त्र का है।
तो ये टोटल वैसे स्ट्रीम्स हैं, ये सभी के सभी जो पुरस्कार है, जो हमारा लिटरेचर यानी कि साहित्य, रसायन आपका केमिस्ट्री, भौतिकी, फिजिक्स, चिकित्सा यानी कि बायोलॉजी में जी, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में जो हमारे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये सभी के सभी जो है स्वीडन में दिए जाते हैं, और हर 27 दिसंबर को ये जो है हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें बहुत से हमारे क्वेश्चनों का जवाब जो है वो आ गया है कि जो हमारा नोबेल पुरस्कार है वो कितनी स्ट्रीम्स में बांटा जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों सबसे पहले किसी को भी नहीं पता था या मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत कम पता होता है कि जो हमारा नोबेल प्राइज है वो जो 5 स्ट्रीम्स हैं ये वो स्वीडन में दी जाती हैं और शांति वाला जो है वो ओस्लो में दिया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब शांति में जो पहले मैं अब आपको जो है पूरे अब नोबेल प्राइजेस को बताऊंगा कि किन किन भारतीयों को जो है नोबेल प्राइज जो है वो मिले हुए हैं। तो दोस्तों नोबेल प्राइज जो है ओस्लो में शांति में जो है 2007 में मिला है आर के पचौरी को जो है शांति में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये प्योर भारतीय थे जिनको जो है वो शांति में नोबेल पुरस्कार मिला था। मगर दोस्तों अगर हम इसी को लेकर चलें कि सर शांति में नोबेल पुरस्कार तो औरों को भी मिला है, फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों कैलाश सत्यार्थी, अभी हाल ही में आपको याद हो कि कैलाश सत्यार्थी को भी जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सन 2014 में। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स जो ये कैलाश सत्यार्थी थे ये भारत के मूल विदेशी नागरिक थे, यानी कि जो भारत के मूल हैं मगर वो विदेशों में हैं, तो उनको जो है जो नोबेल पुरस्कार जो है वो शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मगर ये जो आर के पिचौरी हैं वो इंडियन थे, जो इंडिया में ही रहते थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, शांति में ही नोबेल पुरस्कार एक मदर टेरेसा को भी दिया गया है इन 1979 में। ये विदेशी मूल की भारतीय थी, जो विदेश की थी मगर इंडिया की जो है इनको नागरिकता प्राप्त थी, तो इनको भी जो है मदर टेरेसा को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये फ्रेंड्स आपको नोट्स में सब कुछ जो है ये कंप्लीट आपको मिल जाएगा, आप फ्रेंड्स बस इसको ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट एक और थे जिनको हमारा पीस में ही मिला है, तेंजिंग ग्यात्सो उफ दलाई लामा, और ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के में जो है इनका हेडक्वार्टर है या कह सकते हैं या यहाँ पर ये रहते हैं। तो इनको भी तेंजिंग ग्यात्सो यानी कि दलाई लामा जी को भी मिला हुआ है जो तिब्बत से आए हुए हैं, और ये इंडिया में जो है शरणार्थी के रूप में रहते हैं मगर इंडिया की इनको भी सिटीजनशिप दी गई है। और ये जो है इनको 1989 में जो है तेंजिंग ग्यात्सो को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स आ जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में फ्रेंड्स जो है सबसे पहले भारतीय 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को जो है को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये भी हमारे भारत के ही भारतीय हैं, ये कोई भी इंडिया से बाहर की इनको नागरिकता प्राप्त नहीं थी, ये वो इंडियन थे जिनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट फिजिक्स के हमारे, अगर फिजिक्स की बात करें पहले मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा, तो केमिस्ट्री में जो है यानी कि रसायन में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जो थे वेंकट रमन रामाकृष्णन को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सन 1988 में। तो फ्रेंड्स तो इसी प्रकार से भौतिकी में जो था वो फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार डॉक्टर सी वी रमन को दिया गया था सन 1930 में, जिनको जो हमारे भारतीय थे जिनको जो है फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसी प्रकार से फिजिक्स में जो है सुवर्णिम चंद्रशेखर, तो फ्रेंड्स ये जो सुवर्णिम चंद्रशेखर थे 1983 में जिन्होंने जो है इसकी भौतिकी में जो जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भारतीय मूल के विदेशी नागरिक थे मगर डॉक्टर सी वी रमन
जो थे वो हमारे देश के ही नागरिक थे, जिनको सन 1930 में जो है भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, तो ये पहला हमारा व्यक्ति जिनको, या हमारे पहले व्यक्ति जो जिन्हें नोबेल पुरस्कार जो है भौतिकी यानी कि फिजिक्स में मिला, वो डॉक्टर सी वी रमन जो है वो कहलाते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारे चिकित्सा क्षेत्र में यानी कि अनुवांशिक कूट में जो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे, जिन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भारतीय मूल के विदेशी हैं। आज तक अभी तक हमारे किसी भी भारतीय डॉक्टर यानी कि किसी को भी चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं मिला है। मगर जब हम बात चले कि नोबेल प्राइजेस की, तो भारतीय मूल के विदेशी या विदेशी मूल के भारतीय, इन्हें नोबेल प्राइजेस जो हैं वो मिल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे, ये 1968 में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये भारतीय मूल के विदेशी हैं। इसी प्रकार से 1902 में जो है रोनाल्ड रॉय जो थे, ये विदेशी मूल के भारतीय थे, तो इन्हें भी जो है रोनाल्ड रॉस ये भारतीय यानी कि विदेशी मूल के भारतीय थे, जिन्हें जो है नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। इसी प्रकार से जो है अमृत्य सेन अर्थशास्त्र में एकमात्र भारतीय जिन्हें जो है अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला, वो अमृत्य सेन थे। इन्हें 1998 में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक और भी जानकारी देना चाहूँगा इसी के साथ साथ में, कि अमृत्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज पाने वाले जो हैं वो पहले भारतीय तो रहे हैं, मगर अर्थशास्त्र को नोबेल प्राइज की श्रेणी में यानी कि इनकी स्ट्रीम्स में जो है पहले काउंट नहीं किया गया था। इन 1968 में जो है अर्थशास्त्र को नोबेल प्राइज में जो है जोड़ने की बात की गई थी, मगर 1969 से जो है नोबेल प्राइजेस जो हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में जो है वो स्टार्ट किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं नोबेल प्राइज के ऊपर हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो हैं वो पूछे जाते हैं और जो है वो हमारे लिए जो है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रहते हैं। तो कभी भी किसी भी एग्जाम्स में जो है वो नोबेल प्राइजेस पे आते हैं। और मैं आज जो आपके लिए लेकर आया था वो था कंप्लीट पैकेज नोबेल प्राइज के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साहित्य के क्षेत्र में अगर हम कहें कि साहित्य के क्षेत्र में जो है रविंद्रनाथ टैगोर एक इंडियन को छोड़कर जो है और कितने व्यक्ति रह गए, वो दो व्यक्ति हैं जिन्हें हमारे साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज मिला था सन 1907 में। तो रुडयार्ड किपलिंग नाम था जो विदेशी मूल के भारतीय थे, जिन्हें जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्लस 2001 में बीएस नायपाल थे जो भारतीय प्रवासी वंशज थे, यानी कि जो बाहर के रहने वाले थे मगर यानी कि विदेशों में, और वंशज जो थे वो इंडियन थे। इन्हें भी साहित्य के क्षेत्र में ही नोबेल प्राइज से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो टॉपिक था वो नोबेल प्राइज पे था। और मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में जो है जितने भी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स लीजिए आप, या आपके आर्मी रिलेटेड लीजिए, आर्मी में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले जो है इसकी पूरी जो हिस्ट्री है वो इसको रीड करें, वीडियोस को बार बार देखें। और हमारे जो मैक्सिमम जो डिमांड थी कि सर इनके नोट्स जरूर आप प्रोवाइड करें, तो फ्रेंड्स मैं इसके नोट्स जो हैं वो आपको नीचे लिंक दे रहा हूं और उससे आप जरूर डाउनलोड करें। और फ्रेंड्स, तो ये हमारा नोबेल प्राइज पे था। थैंक यू, ओके, जय हिंद।